ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बहुत पुरानी बात है, रावण और इंद्र में स्वर्ग को लेकर युद्ध छिड़ गया। अब होता क्या है कि जो इंद्र हैं उनको अहंकार होता है अपने आप पर, अपनी शक्तियों पर, कि उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं है। दोनों का युद्ध होता है और इंद्र जो है वो रावण से परास्त हो जाते हैं। अब इसके बाद इंद्र देखते हैं कि रावण के पास इस तरह के विचित्र यंत्र, इस तरह के विचित्र जो विद्याएं हैं वो कहाँ से आई, जिनका सामना वो नहीं कर पाया, वरना पूरे इंद्रलोक में ऐसा कोई नहीं था जो उनके समान बलशाली हो। इसी शोक में इंद्र धरा की ओर जाते हैं और लाखों वर्ष तप करते हैं, और उस तप के बाद भोले शंकर उनको इंद्रजाल का ज्ञान देते हैं। इंद्रजाल एक ऐसा ज्ञान है जो कि हारने वाले को जिता दे। ये धरा पर सिर्फ दो ही लोगों के पास था, एक इंद्र और एक रावण, क्योंकि रावण के पास पहले से था तो भगवान शिव से उनको प्रसन्न करके इंद्र ने भी ये अर्जित किया। और इसमें ऐसे गूढ़ तंत्र मंत्र होते हैं जिनसे कि आप अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इंद्र ने एक ऐसा ग्रंथ रचित किया जिसका नाम था इंद्रजाल, और इस ग्रंथ में नाना प्रकार के टोने टोटके यंत्रों का निर्माण किया, और वो सारे के सारे एक ही बार में सिद्ध होने वाले हैं। और उसी इंद्रजाल से इस ग्रंथ का नाम पड़ा इंद्रजाल। इंद्रजाल एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कि जो भी मंत्र आप उठाएंगे वो सारे के सारे सटीक होंगे, क्योंकि ये जो है महादेव के उवाच हैं, महादेव के मुख से निकले हुए हैं, तो ये चीज़ें कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकती। इसलिए इंद्रजाल में एक कुछ ऐसी गूढ़ शक्तियां हैं जो कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति बड़े ही सरलता से कर सकती हैं, और उसी इंद्रजाल में से आज मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र से आप किसी को भी मोहित कर सकते हैं, एक ऐसा मायाजाल रच देगा ये जिससे कि सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। और इस मंत्र को आप जानते हैं पानी से वशीकरण के नाम से। ये जो मंत्र मैंने आपको दिया था ये इंद्रजाल से है, और बहुत वर्षों से मैं इसको प्रयोग में कर रहा हूँ, और जिस जिसको मैंने ये दिया है उसके लिए इसने सटीक काम किया है। अभी वैसे ये पानी का मंत्र नहीं था, ये था किसी की फ़ोटो पर लगाने का, या फिर जिस भी किसी पर आप कर दो, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, आप किसी पे भी कर सकते, किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित कर सकते हैं इससे। लेकिन पर्टिकुलरली जब मैंने ये वीडियो इंट्रोड्यूस किया तो इसमें मैंने पानी पर बताया था कि पानी पर इसको अभिमंत्रित करके देना है। लेकिन इसको आप फोटो पर भी कर सकते हैं, दूर बैठे किसी का चिंतन करके भी कर सकते हैं, किसी को याद करके भी कर सकते हैं, किसी की फ़ोटो पर भी कर सकते हैं, तो ये हर जगह काम करेगा। मंत्र सुन लीजिए। ओम वद वद, साथी का नाम, आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से, बहुत ही सरल है। ओम वद वद, साध्य का नाम, आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। आपको बस किसी भी खाने पीने की चीज़ पर 7 बार ये मंत्र अभिमंत्रित करके वो खाना किसी को दे देना है। इसके बाद वो जो भी होगा वो देखते ही देखते आपके कदमों में आ गिरेगा। मैंने लगभग 10-11 साल पहले ये मंत्र बताया था, और उसके बाद लोगों ने इतना इस मंत्र को कॉपी किया कि पूछे ही मत, किसी ने पानी में, किसी ने किसी में। तो जब तक आपको मूल का ना पता हो, जब तक ये ना पता हो कि ये मंत्र आया कहाँ से है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, और क्या क्या इसके विचार, क्या क्या इसके जो हैं सावधानियाँ होंगी जो आपको रखनी है, तब तक मेरे मंत्रों को कॉपी मत कीजिए।
इसका जो विधान है वो सिर्फ मैं ही आपको बता सकता हूँ, बाकी जो जो मैंने बना दिया पानी से तो सबने पानी में ही कॉपी कर दिया, तो ऐसे मत कीजिएगा। आप पहले देखिए कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वो मंत्र सही भी है या नहीं। तो इस मंत्र को आप जाप कीजिएगा और फिर देखिए किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है जिसको मैं सालों से प्रयोग में ला रहा हूँ, और ये मेरी जो बुक मैंने लिखी है उसके तीसरे पेज पर है। बहुत ही मैं कहूँगा एक ऐसा शाबर मंत्र इसको कहिए कि एक बार करने से ही किसी पे लग जाएगा। आपकी जो भावनाएं हैं वो भी इसमें पवित्र होनी चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि मंत्रों को चलाने के लिए उनकी जो शक्ति होती है वो स्वयं आप होते हैं। यदि आप पवित्र हैं, आपकी भावनाएं बिल्कुल साफ हैं और सामने वाले के लिए कोई व्यभिचार नहीं है, तो आप अवश्य ही इसको चला पाएंगे, मंत्र अवश्य काम करेंगे। मैंने तो चमत्कार होते हुए देखे हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद।